हे नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे। और दोस्तों 2024 आ चुका है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपना नया पासपोर्ट बनवाने का सोच रहे हैं या फिर वैसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 2024 के फर्स्ट मंथ मतलब कि जनवरी में गुड न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि उन सभी लोगों को अब जो है ई पासपोर्ट मिलने जा रहा है। यह दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जो लेटेस्ट काफ़ी दिनों से हालांकि खबरें आ रही थी कि ई पासपोर्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी हम लोग जानते हैं जिस नाम से जानते हैं ऑफकोर्स, वो मिलने वाला है। लेकिन चूंकि पहले कोविड और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेक्निकल रीजंस आए थे जिनकी वजह से जो ई पासपोर्ट का जो लोगों को मिलना शुरू होने वाला था उसमें डिले हो रहा था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि वैसे सभी लोग जो कि 2024 में जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनके अपॉइंटमेंट्स आइदर हो चुके हैं या फिर जिनके अपॉइंटमेंट्स होने हैं जनवरी में, उन सभी को जो है अब ओल्ड ट्रेडिशनल जो कि बिना चिप वाला पासपोर्ट है उसकी जगह पे अब उन्हें चिप वाला पासपोर्ट मिलने जा रहा है। इसका मतलब ये कि उन्हें बहुत ही हाईटेक और बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी उनमें डेटा है वो उसमें फिट किया हुआ रहेगा और उन्हें ई पासपोर्ट दिया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ई पासपोर्ट का चलन है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये ई पासपोर्ट है क्या और ये कैसे अंतर रहेगा हमारे नॉर्मल पासपोर्ट से। सो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक्स पासपोर्ट जिसको ई पासपोर्ट भी बोलते हैं वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई और जो भी इसमें जो पेजेस हैं और पेजेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो लगभग सब कुछ सेम होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होने वाला है कि आपके नॉर्मल पासपोर्ट के अंदर जो भी आपके डिटेल्स हैं लाइक आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर मदर नेम, साथ ही साथ आपका जो भी एड्रेस है वो सभी पासपोर्ट के अंदर तो प्रिंट होगा ही होगा। साथ ही साथ इसके ऊपर यहाँ पे एक चिप लगी रहेगी और उस चिप के अंदर वो सभी इंफॉर्मेशन जो कि आपके पासपोर्ट के अंदर प्रिंटेड है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है डेटा के फॉर्म में उसमें सेव रहेगा। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि नॉर्मली अभी क्या है कि हम सभी को जब इमिग्रेशन होता है जहाँ पे हम लैंड करते हैं जिस एयरपोर्ट पे अब्रॉड में, तो वहाँ पे हमें इमिग्रेशन के बाद जो वो है पासपोर्ट कंट्रोल के अंदर जहाँ पे हमें अपने पासपोर्ट को मैनुअली स्कैन करना पड़ता था अभी तक, चूँकि जो भी हमारे डिटेल्स हैं वो हमारे फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पे होते हैं, तो हमें क्या है कि अभी मैनुअली यहाँ पे स्कैन करना होता था जो कि एक टाइम लेता था। इस वजह से इमिग्रेशन की जो लाइनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती थी। तो दोस्तों इसको अवॉइड करने के लिए जो हमारा ऊपर में जो चिप लगा होगा जो जिसके अंदर हमारे सारे डेटा फीड होंगे, अब क्या होगा कि आप जैसे ही इमिग्रेशन के बाद जब आप पासपोर्ट कंट्रोल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपने जो भी डेटा हैं आपके सारे डिटेल्स नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो अब आपको मैनुअली इंटर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो चिप रहेगा उस चिप को सेंसर से जैसे ही आप जो टच करेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली मेट्रो में आप केवल एक स्मार्ट कार्ड वहाँ पे इंटर जो है वो आप जो है टच करते हैं और वो ऑटोमेटिकली गेट खुल जाता है और जो भी बैलेंस होता है आपके कार्ड में वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। मतलब ये कि जो मशीन है वो जो ऑटोमेटिक गेट है वो आपके कार्ड को जो है वो रीड कर लेता है। तो ठीक उसी तरीके से आपके कार्ड सॉरी पासपोर्ट के ऊपर जो चिप रहने वाला है वो सेंसर जो है उस चिप को रीड कर लेगा और उसके साथ ही जो है आपका पासपोर्ट जो है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आपके सारे डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगे और जो पासपोर्ट कंट्रोल का जो काउंटर है वो वहाँ पे खुल जाएगा और इस वजह से आपको लंबी लंबी लाइनें में लगने से आप बच जाएंगे। अब दोस्तों इसी के साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न भी हमारे मन में आता है, क्वेश्चन आता है कि जिनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है और जिनके पास नॉर्मल वाला पासपोर्ट है तो क्या उन्हें भी अपने पासपोर्ट को चिप वाले इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट से रिप्लेस करना होगा? सो दोस्तों इसका मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली जवाब दे रहा हूँ कि नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक आपका जो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है, फॉर एग्जांपल मेरा जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है ये है 26 जनवरी 2028, मतलब ये कि 2028-26 जनवरी तक ये प्रॉपर पूरी तरीके से वैलिड है। हालांकि जब भी मैं इमिग्रेशन पे जाऊंगा तो वहां पे मुझे मैन्युअली अपना इन्फॉर्मेशन इंटर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक नए पासपोर्ट की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि वैलिड पूरी तरीके से है। अगर हाँ आपका मन है, अगर आप चाहते हैं कि आप एडवांस पासपोर्ट रखें तो बाकायदा आप जो है रीइशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको व्यर्थ में
अप्लाई करना होगा, भाग दौड़ होगा, साथ ही साथ कुछ पैसे भी लगेंगे और आपका टाइम टेकिंग होगा, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि हालांकि अब ई पासपोर्ट मिलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपकी जब तक वैलिडिटी बची हुई है, जब तक आपके पासपोर्ट का जो वैलिडिटी ऑलरेडी है, तब तक आप इसको यूज कर सकते हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो दोस्तों ये था एक काफ़ी बड़ा गुड न्यूज़ जो निकल कर आ रहा है ई पासपोर्ट को लेकर। अगर आपको पासपोर्ट बनवाने से लेकर कोई और कन्फ्यूज़न है माइंड में, या फिर डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ इशू वगैरह आप फेस कर रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट बनवाते समय अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में और आपकी हेल्प करने में। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।